यहाँ पे हो रहा है फोटो सेशन सभी का, शायद दिख रहा होगा आपको पीछे। और चलो यहाँ पे भी चले, फिर चले। अच्छा फोटो खींचने हैं, हाँ तो थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाएंगे ऐसे। बनी कहाँ आए हो आप? कहाँ पे आए हो? कौन सी जगह? कहाँ पे आए हो? गुलमर्ग आए हैं। गुलमर्ग मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? नहीं आया कब? बेट वो ले आए। अभी हम कहाँ आए? आगे हम गुलमर्ग लेक का मम्मा के पास आने के लिए। गाइस ये सारा बर्फ से भरा पड़ा होता है, सारा का सारा। चलो हैंडू करो, इसमें डालो हैंडू। ख्वाहिश कहाँ पहुँच गई हो? फाइनली ख्वाहिश हमारी पहुँच गई है गुलमर्ग में। कहाँ पहुँच गई हो आप? रैबिट, ए मेरा रैबिट हुई। हाँ जी ओके, ये गंदा उठा के मेरे को देना है, ये मुझे देना है। हाँ जाओ आंटी पास, जाओ जाओ आंटी पास। ये मेरा छोटा सा रैबी है, छोटा सा रैबी है। हाँ मेहरबानी, अच्छा मेरे पास वो चले गया। इनके मजे लगे ये मेरे रैप भी छोटे छो। रोपे को जाने का रास्ता और इधर से सीधा ही है। और बानी काफी एक्साइटेड है, बानी काफी एक्साइटेड हो रोबे जाने के लिए, है ना? नहीं है मजा आएगा बानी, तो हमारी एक्साइटेड है ना, मजा आएगा। सो गाइस यहाँ पे इतना रश था बट मजा बहुत आया, देखिए आप भी। कहाँ कहाँ तक
गाइस अभी हम आए हैं ट्रैकिंग पे। रेस्क्यू हो खुद में, वैसे है नहीं यहाँ पे, यहाँ नीचे है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बेटी भी है साथ में। एनजी डिस्को पे जाने का काफ़ी सारा तो कितने सारे लोग आए इतनी सारी है नीचे जाके। तो आप जा रहे हो नीचे क्या करना चाहिए है ना, बच्चा भी दिया हुआ और साथ में बड़ी मुश्किल से चुप करवाई है, बड़ा परेशान किया इसने हमें। प्लान बन गया हवा नीचे जाने का कि हम अकेले रह गए, हमारे साथी सारे चले गए, हम भी जा रहे हैं। बस थोड़ा डर है, रास्ता आपको बता देते हैं। मेरे को चप्पल देखो कौन सी पहनी है, ये तो चले गए आगे। सच में शूज पहनने चाहिए थे, ये वाली जाने वाली है मेरी। हमारे साथी सारे चले गए, जिसने परेशान किया। बस इधर मत खड़े हो, नीचे खड़े जाओ, क्या दिमाग खराब है, उधर चलो। क्या मजा है इसका, बस है ना, बस इतना इतना जाना। चलो 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 ऊपर, चलो ऊपर। ये तो सिर्फ एक वो है कि टूरिस्ट के लिए है। हाँ। कावा लेंगे, भी देख सकते हो आप यहाँ पर पत्थर। और हमारी फाइल देखो कैसी सो गई है, बहुत रो रही थी पहले जब ये बैठी थी उसमें। वापस हम इसी में जाएंगे, एयरप्लेन का जिसने प्लेन नहीं है वो किया, तो इसको एंजॉय करेंगे। प्लेन का हिसाब हो गया, पहले मुझे डर नहीं लगा, मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, सेकंड टाइम मुझे चक्कर आ गए, अच्छा लगा ना, मज़ा आया। चलो यही था आने का फायदा। और तो देख के चलना, बाकी ये था कि बर्फ वगैरह जो अभी आगे सर्दियों में पड़ेगी तब तो क्या ही आना, इतनी ठंडी भी होगी बच्चों के साथ तो वैसे दिक्कत हो जाती है। अभी सो गई इसने इतनी जिद की, कुछ कर नहीं दिया। सो गाइस यहाँ ट्रैकिंग करने के बाद हम अपार्ट में आ गए गार्डन में, तो हम वहाँ बैठे तो दीदी कॉफ़ी बना रहे थे, हमने कॉफ़ी पी क्योंकि थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो हम सब ने कॉफ़ी पी। उसके बाद हमने थोड़ी देर बैठे, फिर चल दिए हम वापस अगले ट्रिप पे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छा तो लगना चाहिए, वादियाँ हैं, वादियाँ तो सबको अच्छी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय।